दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पेड़ अमरूद का है, इस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिस पर लिख रखा है लोगों को जानकारी के लिए, यहाँ कौन सा पेड़ है कौन सा नहीं, तो दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए बहुत चलते हैं, कलर रूट पे आ गए इसके। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा नज़ारा मिलेगा। यहाँ पर बाथरूम की सुविधा भी दे रखी है, ये नहीं है कि सिटी फॉरेस्ट है तो कहीं भी कर लो, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया दे रखी है। तो आगे चलते हैं। गलत रूट पे आ गए। और ये पेड़ पौधे में कुछ है ही नहीं है। इस रूट पे चले या इस पे चले, किस पे चले हैं? सारस अभी तक दोस्तों जिसका डर था वही हुआ और हम भटक चुके हैं, गलत रूट पे आ गए हैं। तो हमारे साथ गलती होगी, हम अलग रूट पे आ गए हैं। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी तक आपको हम कुछ दिखा नहीं पाए हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम गलत रूट पकड़ लिया है। तो अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कहीं पहुँचते हैं तो, क्योंकि हमारे साथ हमें इसी चीज़ का डर था कि हम गलत रूट पर ना आ जाएँ, लेकिन गलती हुई। अब और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब हम कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गेहूँ की भी खेती हुई पड़ी है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ बीच में गेहूँ। तो आप देख सकते हैं अभी तो हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं जगह, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट लेके नहीं चले, सीधा ऐसे कुछ एंट्री कर दी है। काफ़ी बड़ा पार्क है, पार्क फॉरेस्ट पहुंचे जो दिखाने लायक है आपको। अभी तक अब आपको हमने जंगली जंगल दिखाया है, तो देखते हैं दोस्तों पहुंच चुके हैं बिल्कुल करीब। तो देखिए अच्छा नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। Thank you.
ऐसी बोटिंग देखी है? कहाँ पर कहाँ पर? अच्छा ब्लू कलर में जो है बोटिंग झील के पास। अच्छा देख सकते होंगे आप, दिख रहा हो बोटिंग झील, श्री कृष्ण गौशाला और एग्रीकल्चर लैंड। घुड़सवारी कहाँ पर है? किधर से? देखिए देखिए चिल्ला रही है, कौन आ गया कौन आ गया। देखिए बहुत बढ़िया किट्टी हो रही है, धीरे धीरे भीड़ किट्टी होती जा रही है धीरे धीरे। देख सकते हैं मजा आएगा आपको। हम एक घंटा हो गया तक एडवेंचर करते हुए, या कह सकते हैं ये आज लगता नहीं है कि आज एक दिन में कवर हो पाएगा। तो इससे हम दोबारा आएंगे और इसे दोबारा कैप्चर करेंगे। देख सकते हैं इस टाइम हमें यहाँ से डिलीवर पर बच्चों के झूले हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों के झूले। तो आपको दिखाएंगे इस झूले में क्या क्या है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा को भी तो आनंद आना चाहिए ना कि हम यहाँ आए हैं, तो क्योंकि उनको तो पता नहीं सिटी फॉरेस्ट में क्या है क्या नहीं उसके बारे में। तो ये देखिए झूले बच्चों के, और मुझे लगता है दोपहर शाम के टाइम पर यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, काफ़ी लोग आते होंगे यहाँ पर। देख सकते हैं झूले, और देखिए बच्चों के झूले। ओ ये वाले जो क्या देख रहे हो, और भी ट्रेन भी है यहाँ, जैसे आपको दिखाता हूँ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। ओ देख सकते हैं, अच्छा यहाँ कूदने की व्यवस्था। ओह देख सकते हैं भाई बैठा हुआ थक गया है, काफ़ी देर से चल रहे हैं, 1.5-2 घंटे हो गए हमें। तो ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा। और मुझे लगता है कि आगे मैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर, और मैं और जो चीज़ें रह रही हैं मैं उसको आपको दिखाऊँगा, जो कि मैंने आपको दिखाया हो कि इसमें एक झील भी रह रही है तो उसको भी देखना है। तो उस टाइम बोटिंग झील के पास हैं, तो आज 2 घंटे करीब हम होने जा रहे हैं, लेकिन कवर नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी बड़ा है, 150 एकड़ में आपको दिखाया होगा स्टार्टिंग में। और ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आने चाहिए और आपका सपोर्ट होना चाहिए। देख सकते हैं पीछे बहुत झील है,
दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम फैमिली के साथ आएँ और इसका आनंद लें। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट्स। बाय बाय।